स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज में हम लोग क्लास 8 का संस्कृत को डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। आप लोगों को फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए संस्कृत में कुल 6 चैप्टर पढ़कर जाना है, ठीक है। इसमें से ये पहला चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को हम लोग देखेंगे, हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल। चैप्टर का नाम हो जाएगा नीति श्लोका, ठीक है, नीति संबंधित श्लोक। तो ये इसका चैप्टर का नाम हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, शांति तुल्यम किम नास्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा तपा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अज्ञेभ्य के श्रेष्ठा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रंथिन। नेक्स्ट है हमारा, व्यवसायिना केभ्य श्रेष्ठा, इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेभ्यम, ठीक है, ज्ञानेभ्य। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कति दोषा पुरुषेन हात्यावा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सड़ा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निः स्वानो मेघा सर्दी किम करोति, इसका सही जवाब हो जाएगा गर्जति, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्य, यहाँ पे क्या बनाएगा, दीर्घ सूत्रता, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, धर्मस्य गति लक्षानिनी शांति, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशा। अगला सवाल हमारा, संतोषात इति पदे का विभक्ति, इसका हो जाएगा पंचमी, इसमें कौन सी विभक्ति है, पंचमी। नेक्स्ट है हमारा, फलह इति पदे का विभक्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीया, फलह में कौन सा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। छपियंती इति क्रियापदे किम वचनम, ऑप्शन नंबर सी, इसमें कौन सा है, ये कौन सा है, बहुवचनम है, ठीक है, कौन सा वचन है, बहुवचनम है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे सवाल देख करके जाना है जो एक नंबर वाले सवाल होते हैं, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला था, शांति तुल्यम किम नास्ति, तो तपा। धर्मस्य कति लक्षणानि, तो इसका हो जाएगा दश, ठीक है। ज्ञानेभ्यम के श्रेष्ठा, तो व्यवसायिन, क्या हो जाएगा, व्यवसायिन। कह केवलम वदति न करोति, ये हो जाएगा नीच। उसके बाद पुरुषेन कति दोषा हत्यवा, ये हो जाएगा षड्। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। कुल 6 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, जिसमें से अभी मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जाके पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पर आपको हिंदी इंग्लिश मैथ सभी का तैयारी कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से जाकर तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।